सर क्या कहना चाहेंगे बड़ा यूनिक नाम के साथ लेकिन नया सिनेमा लेके आ रहे हैं जिसकी शूटिंग कई दिन से आप आज सभी मुझे देख रहे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार प्रणाम और हाँ यूनिक नाम है जो है वो शादी के बाद तो हमेशा घर पे एक ताला देती है अपने ससुराल में कि जब भी कुछ होता है तो मैं मायके जाऊंगी। ये हर घर की रूटीन कहानी है लेकिन बहुत ही एंटरटेनमेंट के साथ हमने उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की। ऐसा आपने क्या कह दिया जो कि आम्रपाली जी हमेशा कहती मैं मायके चली जाऊंगी? आम्रपाली जी जो है ना वो इस फिल्म में जैसा कि वो हमेशा मैंने देखा है कि वो हमेशा कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती है कि मैं क्या नया करूं और क्या ऐसा करूं जो लोग मुझसे कनेक्ट हो सकें। तो उन्होंने जब मेरा पहला जब ये कंसेप्ट वाइज ही जब डिस्कशन हुआ था तो उनका ये कहना था नहीं यार ये सिनेमा हमको करना है, इससे हम मैसेज भी दे रहे हैं और एंटरटेनमेंट भी पूरा प्रॉपर मिलेगा तो ये सिनेमा को हम पहले प्रीफर करेंगे। हमेशा ऑडियंस देखना चाहती है निरहुआ जी का आम्रपाली जी की जोड़ी जुबली स्टार बनाती है तो इसमें कितना अलग दिखेंगे, कितना एंटरटेनमेंट होगा ऑडियंस का? देखिए एंटरटेनमेंट की तो मैंने पहली बात की ना कि फिल्म में पूरा एंटरटेनमेंट भरा हुआ है जो एक मसाला प्रॉपर पैकेज फिल्म जिसको बोलते हैं ना हम, जिसमें आपको कॉमेडी भी मिलेगा, इमोशन भी मिलेगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिलेगा। फिल्म एंड होते होते एक बहुत तगड़ा मैसेज देके फिल्म जाती है कि नहीं एक बेटी को क्या ध्यान रखना चाहिए, अपने मायके को शादी के बाद किस तरह से लेके चलना चाहिए, अपने ससुराल को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें को मैसेज प्रॉपर देते हुए फिल्म एंड होती है। सिल्वर जुबली जो जोड़ी है इस क्या कहना चाहेंगे? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं विनीत जी और आम्रपाली जी के साथ ये फिल्म कर रहा हूँ। मैंने मतलब उनके साथ मैं असिस्टेंट में काम करता था दिनेश जी के साथ परिवार औलाद बहुत सारी फिल्में और आम्रपाली जी की भी जो पहली फिल्म थी उसमें भी मैं एसोसिएट डायरेक्टर था निगाह हिंदुस्तानी में। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मतलब आज उनके साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उनके फिल्म कर रहा हूँ शूट कर रहा हूँ उनको तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। उर्दू साहब बात की जाए तो क्या पहचान प्रवीण कुमार जी हमारे जो प्रोड्यूसर हैं तो उन्होंने जब मुझसे पहली मुलाकात की थी तब मुझे बोला था कि एक अच्छी फिल्म बनानी है फैमिली ओरिएंटेड एंटरटेनमेंट फिल्म। मैंने उनसे वही डिस्कस किया था कि भाई ये कंसेप्ट है मेरे पास, हम इस पर काम कर रहे हैं काफ़ी दिनों से और इसको आगे देखें। और प्रवीण जी का जो उसके बाद से जो अप्रोच रहा है कि चाहे वो गाने की बात आए, जैसा हम लोग जब गाने का रिकॉर्डिंग कर रहे थे शूटिंग से पहले तो अल्तमश फरीदी जी और ये सब सिंगर्स को हमें गंवाना था जो हम लोग जल्दी भोजपुरी में हमारे नहीं यार इससे गवा लेते हैं बजट को लेके या कुछ भी चीज़ों को लेके, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। हमारे गाने की बात करें तो कल्पना जी ने भी गाना गाया है, अल्तमश फरीदी ने भी गाया, प्रियंका सिंह ने भी गाया, मतलब हम लोगों ने जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से उसको चीज़ों को करने की कोशिश की और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है हमारे प्रोड्यूसर साहब का। और आज की तारीख में आज 10वां 12वां दिन है शूटिंग का और बहुत ही अच्छे तरीके से शूटिंग चल रही है। हम लोगों ने काफ़ी लोकेशन हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया है और उसके बाद कुछ लोकेशन जिस पर हम शूट कर रहे हैं, तो हर चीज़ में एक प्रोड्यूसर की तरफ से जो सपोर्ट आना चाहिए टीम को वो बहुत अच्छी तरह से आ रहा है और इसके लिए मैं प्रवीण कुमार जी को थैंक्स भी करना चाहूँगा। आजमगढ़ शूटिंग हो रही जहाँ पर हो रहा है शूटिंग कितना सपोर्ट मिल रहा है? आजमगढ़ तो बहुत मैं खुद आजमगढ़ से हूँ तो यहाँ तो सपोर्ट मिलना लाजमी है मेरा और वैसे भी आजमगढ़ में काफ़ी फिल्में अभी शूट हो रही हैं और मैंने खुद अभी मेरी ये तीसरी चौथी फिल्म है बैक टू बैक 3 साल के अंदर और जिस तरह से हमारे सांसद दिनेश जी ने शूटिंग को जो है वो सपोर्ट किया है और परमिशन वगैरह में भी और लोकेशन वगैरह में जो हेल्प मिल जाती है तो उसके कारण तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और इजी हो गया शूट करना आजमगढ़ में। दिनेश जी बात की जाए सांसद भी हैं और शूटिंग भी हो रही है और जनता की सुनवाई भी कर रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? नहीं मैं तो उनकी क्या ही कहूँ, मतलब छोटा में बड़ी बात हो जाएगी। दिनेश जी अब शख्सियत बड़ी है लेकिन उनके जो है वो मतलब सबसे कनेक्ट होते हैं और मैं जो यहाँ पे जो देख रहा हूँ कि वो शूटिंग करने के बाद शॉट का जो प्रेशर होता है उसको भी झेलते हुए वो जितना हो सके अपने लोगों से मिल रहे हैं, अपने क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं और उनके बीच रह के जो काम कर रहे हैं वो तो मतलब काबिल होता है। ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? ऑडियंस तो यही कहेंगे कि भाई हमने कोशिश की है, बहुत मेहनत की है और मैंने तो एक फिल्म बनाई है, आप अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए और पसंद करिए ताकि हम अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पर काम कर सकें। और कौन कौन फिल्में आई जी डायरेक्टर आपकी आने वाली है? सर फिल्में तो अलहमदिल्ला आपके बहुत सारी लाइनअप है और जल्द ही
जी।